आज हम मार्केट से भी अच्छे और बढ़िया एकदम क्रिस्पी क्रंची नमक पारे बना कर तैयार करेंगे और यकीन मानिए फ्रेंड्स अगर आपने इन्हें एक बार, बार बनाकर ट्राई किया तो आप इन्हें बार बार बनाकर खाना चाहेंगे क्योंकि इतने ज्यादा टेस्टी और काफी ज्यादा क्रिस्पी ये लगते हैं तो हेलो एवरीवन मैं हूं मेघा और आप सभी का रेसिपी अड्डा बाय मेघा पर स्वागत है तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट पड़ से आज की रेसिपी को देख लेते हैं नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा तो यहाँ पर मैंने दो कप मैदे का इस्तेमाल किया है वैसे आप चाहे तो एक कप मैदा और एक कप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे घी तो यहाँ पर मैंने एक कप मैदे के लिए दो टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है मतलब टोटल चार टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है घी को अच्छे से मैंने पिघला लिया है हल्का सा गर्म कर लिया है उसके बाद में ऐड किया है आप चाहें तो घी की प्लेस पे कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी ऐड करने से नमक पारे ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे तीन चौथाई टेबल स्पून अजवाइन ऐड करेंगे अजवाइन को इस तरह से अच्छे से क्रश करके ऐड करेंगे इससे नमक पारे में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो दो कप मैदे के लिए यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक ऐड किया है वैसे जो सूखा मैदा होता है उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप नमक ऐड ना करें नहीं तो नमक पारे में नमक ज़्यादा हो जाएगा आप ये सोच के इसमें नमक ऐड करें कि गूँथने के बाद आटा कितना हो जाएगा तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे मिला देंगे अच्छे से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा आटा है ये काफ़ी अच्छे से हाथ में होल्ड हो पा रहा है तो बस इसी तरह का हमें आटा चाहिए नमक पारे के लिए तो आटे को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसे गूथ के अच्छे से तैयार कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे और थोड़ा टाइट डो लगा कर तैयार करेंगे जैसा हम पूरी का डो लगाते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही डो लगा कर हम इसका तैयार कर लेंगे तो आटा मैंने काफ़ी अच्छे से गूँथ के तैयार कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि 15 से 20 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने देंगे आटे को अच्छे से सेट होने देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो गए हैं दोबारा से आटे को एक बार अच्छे से गूँथ लेते हैं ताकि ये अच्छे से एकदम स्मूद हो जाए अब हम इस आटे के दो बराबर हिस्से करेंगे और इनके हम दो पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे अब हम ये जो पेड़े हैं इनको अच्छे से बेल लेंगे तो वैसे हमने इसमें घी ऐड किया था तो बेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप आसानी से नहीं बेल पा रहे हैं तो आप चाहे तो जो सूखा मैदा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेलने के लिए या फिर आप हाथों पे बेलन पे और जिस सरफेस पे आप इनको बेल रहे हैं उस पर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर ले उसके बाद में बेल ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पेड़े को अच्छे से बेल के तैयार कर लिया है अब इस पेड़े को आपको ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रोटी से थोड़ा मोटा बेल के हम इसे तैयार करेंगे तो ये यह देखिए यहाँ पर मैंने इसे काफ़ी बड़े साइज में बेल लिया है अब हम इसे अपने मन चाहे आकार में काट लेंगे तो मैं इनको इस तरह से लंबाई में काट रही हूँ आप चाहें तो इन्हें स्क्वायर शेप में काट सकते हैं आप चाहें तो इन्हें डायमंड शेप में काट सकते हैं आप चाहें तो काजू शेप में काट सकते हैं जैसा भी शेप आपको पसंद है उस शेप में आप इनको काट लें और उसके बाद हम इनको डीप फ्राई करेंगे तो नमक पारे को डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को एक कढ़ाई में अच्छे से गरम कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि जो नमक पारे हमने बना के रखे हैं उनको एक एक करके ऑयल में डाल देंगे लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप नमक पारे ऑयल में डाल रहे हो तो जो ऑयल है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही आप नमक पारे डालेंगे वैसे ही जो नमक पारे की ऊपर की स्किन है वो जल जाएगी तो नमक पारे ऐड करते टाइम हम ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हॉट रखेंगे इसके बाद हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर नमक पारों को हल्का सुनहरा कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो नमक पारे हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं काफ़ी बढ़िया इन पर कलर आ गया है तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के सारे नमक पारे फ्राई करके तैयार कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो नमक पारे हैं वो पूरी तरह से बनके तैयार है और आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया ये बनके तैयार हुए हैं काफी बढ़िया इन पर कलर आया है तो एक नमक पारा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आप देख पाएं कि कितने ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची ये बन तैयार हुए हैं तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी के साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दी ताकि आने वाले हर फ्यूचर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग